अदरक भी पता है, अमरूद जिसको गुआवा बोलते हैं आप लोग खाते हैं ना। फिर है हमारा व्यंजन। व्यंजन का पहला अक्षर कौन सा था? क। क से कछुआ, क से कमल। कमल कैसे कलर का होता है? पिंक और वाइट कलर का होता है। कहाँ होता है? कीचड़ में होता है। क से कबूतर, कबूतर तो आप सब लोगों ने अपने घर में देखे होंगे ना। क से कलम, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेन भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा अक्षर कौन सा था व्यंजन का? ख। ख से खटमल, ख से खीरा। खीरा हमारे कैसे होता है? ककड़ी की तरह होता है ना। ख से खरबूजा, आप सब खाते हो ना गर्मियों में खरबूजा। ख से खरगोश। अब हमारा तीसरा अक्षर कौन सा था व्यंजन का? ग। ग से गमला, ग से गाय, ग से गणेश, ग से गाजर, ठीक है। चौथा हमारा अक्षर था घ। घ से घर, घ से घोड़ा, घ से घड़ा, घ से घड़ी। ये सब पिक्चर्स आपको पता है ना, आपने देखा है ना अपने घर में। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपकी मम्मा आपको बताती होंगी। और हमारा पांचवा अक्षर कौन सा था व्यंजन का? अंग। अंग से खाली। अब हम ये सब रिवाइज कर चुके हैं ना, स्वर भी हमने रिवाइज कर लिए और अब तक जो हम व्यंजन कर चुके हैं वो भी कर लिए। अब हम नोटबुक में करेंगे। नोटबुक में हम क्या करेंगे देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर डेट डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लास वर्क और अब तक जो हमने स्वर किए हैं आज हम नोटबुक में वो करेंगे, ठीक है। हमने कौन कौन से व्यंजन किए हैं? पांच व्यंजन किए हैं। क
ख ग घ आंग, तो हम लिखेंगे का से आंग। कैसे लिखना है देखिए, मैं आपको सिखा रही हूँ। ये हमारी हिंदी की नोटबुक है, इसमें हमें इस तरीके की लाइंस दी हुई है। हमें इस लाइन में कैसे लिखना है देखिए, ऊपर हम लिखेंगे क से आंग। पेरेंट्स प्लीज बच्चों की हेल्प करिए लिखने में और पढ़ने में भी। अब पहला अक्षर हमारा कौन सा था व्यंजन का, क क। कैसे बताया था मैंने, स्टैंडिंग लाइन सी कर्व ज्वाइंट होना चाहिए। इस लाइन में लिखेंगे, लंबी लाइन में सी कर्व ज्वाइंट होना चाहिए और राइट हैंड को सी कर्व जो ज्वाइंट नहीं होना चाहिए ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा बन गया क क से कछुआ, क से कमाल। कौन कौन सी पिक्चर्स होती हैं पता है ना आपको, बताया था मैंने, आप मुझे बताइए। वेरी गुड। हमारा दूसरा अक्षर क्या था, ख ख। हम ठीक है, हमारा दूसरा अक्षर कौन सा था, ख ख। हम कैसे लिखेंगे देखिए, लाइन से टच करते हुए हाफ कर, यहीं से टच करते हुए हमको नीचे ले जाना है डाउन कर। स्टैंडिंग लाइन ऊपर लाइन से नीचे लाइन तक टच होनी चाहिए और ये हमारा बन गया ज्वाइंट सी कर ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा बन गया ख ख से खरगोश, ख से खटमल। और कौन सी पिक्चर्स होती हैं, वेरी गुड। अब हमारा तीसरा अक्षर कौन सा है व्यंजन का, ग ग। कैसे लिखना सिखाया मैंने आपको, स्टैंडिंग लाइन फुल नहीं, छोटी सी, मतलब ज़्यादा छोटी भी नहीं, हाफ स्टैंडिंग लाइन फुल सर्कल। फुल सर्कल करना है, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन ऊपर लाइन से नीचे लाइन तक टच होनी चाहिए और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा बन गया ग ग से गमला, ग से गाय, ग से गाजर। वेरी गुड। अब हमारा चौथा अक्षर कौन सा था व्यंजन का, घ घ। हम बनाएंगे कैसे लिखेंगे, सी कर यहीं से टच करते हुए फिर से सी कर और ये स्टैंडिंग लाइन, लाइन से लाइन को टच करना है और इसको ज्वाइंट रखना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा बन गया घ से घर, घ से घोड़ा, घ से क्या था, घड़ी। वेरी गुड। अब हमारा पांचवा व्यंजन कौन सा है, आंग। कैसे लिखेंगे, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लेफ्ट हैंड को सी कर यहीं से टच करते हुए राइट हैंड को सी कर उसके बाजू में डॉट। ये क्या, एक मात्रा होती है जिसको हम अक्षर के ऊपर लगाते हैं। ये हमारा बन गया अंग, अंग से खाली। ठीक है, फिर हम लिखेंगे देखिए, वन लाइन स्किप करेंगे, फिर हमको ऐसे ही लिखना है सुंदर सुंदर। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन सी कर्व ज्वाइंट होना चाहिए लेफ्ट हैंड को सी कर्व ज्वाइंट, राइट हैंड को हाफ सी कर्व जो ज्वाइंट नहीं होगा ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा बन गया क। अब हमारा ख सी कर्व, सी कर्व या हाफ कर यहीं से टच करते हो डाउन कर स्टैंडिंग लाइन, इसको टच करते हुए जाना है और ये हमारा फिर से सी कर्व टच होना ज्वाइंट होना चाहिए दोनों साइड से और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा बन गया ख। अब हमारा ग, स्टैंडिंग लाइन फुल सर्कल उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, लाइन से लाइन को टच करना है बाहर नहीं निकालना है, सुंदर सुंदर लिखना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा बन गया ग। ग से कौन कौन सी पिक्चर्स होती हैं आप बताइए। अब हमारा है ग सी क, ये सी कर यहीं से ज्वाइन करते हो अगेन सी क स्टैंडिंग लाइन ऊपर लाइन से नीचे लाइन तक टच होनी चाहिए और ये स्लीपिंग लाइन। ये हमारा बन गया घ। अब हमारा अंग, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लेफ्ट हैंड को सी कर राइट हैंड को सी कर और उसके बाजू में डॉट, ये है ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा बन गया अंग। ठीक है,
बताया ना, क से कौन कौन सी पिक्चर्स होती हैं, ख से कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए। अब आप वन लाइन स्किप करेंगे, फिर से ऐसे सुंदर सुंदर लिखेंगे। स्टैंडिंग लाइन, सी कर्व, दोनों साइड से ज्वाइंट होना चाहिए। राइट हैंड को सी कर्व, जो ज्वाइंट नहीं रखना है हमें, ऊपर स्वीपिंग लाइन, ये हमारा बन गया क क से कछुआ। हाफ कर्व, यहीं से टच करते हो, डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ये हमारा सी कर्व, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा बन गया ख ख से खरगोश। स्टैंडिंग लाइन, फुल सर्कल, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ग ग से गाजर, ग से गमला। ठीक है, सी कर्व, अगेन सी कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा बन गया घ घ से घोड़ा, घ से घर, घ से घड़ी। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट हैंड को सी कर्व, यहीं से टच करते हुए ज्वाइन करते हुए राइट हैंड को सी कर्व, उसके बाजू में डॉट, ये हमारा ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा बन गया अंग, अंग से खाली। नोटबुक में हमको इस तरीके से पूरा पेज कंप्लीट करना है, इतना मैंने किया। अब ये आपको ऐसे ही करना है, वन लाइन स्किप करना है और सुंदर सुंदर इस तरीके से लिखना है। अब वर्कशीट में कैसे करना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। वर्कशीट में पेज नंबर 50, ठीक है, यहाँ पे हमको डेट डालनी है, यहाँ पे हमको क्लास वर्क लिखना है। ये व्यंजन लिखो क से, ठीक है, डेट डालनी है, हमको होमवर्क लिखना है और ये लिखा है व्यंजन लिखो क से अंग। ठीक है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है ना, ऐसे हमने नोटबुक में किया दिया करा है, लिखना सीखा है कैसे लिखना है। ठीक है, क से कबूतर, ख से खरगोश, ख से खटमल भी होता है, ग से गाजर, गमला भी होता है, ग से घोड़ा, घर भी होता है, और अंग से खाली। ठीक है, हमको वर्कशीट में इस तरीके से लाइंस दी हुई हैं। अब हमको वर्कशीट में कैसे करना है देखिए, मैं आपको सिखा रही हूँ। स्टैंडिंग लाइन, ये बीच की लाइन में लिखना है, ये जो लंबी लाइन है हमको इसमें लिखना है, इससे बाहर नहीं निकालना है और सुंदर सुंदर लिखना है। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, लाइन से लाइन को टच करनी है। ये सी कर्व, ज्वाइंट होना चाहिए दोनों साइड से। राइट हैंड को सी कर्व, जो ज्वाइंट नहीं होगा, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा बन गया क क। कौन कौन सी पिक्चर्स होती हैं बताइए आप मुझे। वेरी गुड, अब हमें लिखना है ख। खा मैंने कैसे सिखाया है, हाफ कर्व, इसी से ज्वाइन करते हुए डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, और ये हमारा बन गया सी कर्व, ज्वाइंट ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा बन गया ख ख से खरबूजा, ख से कटमल। गुड, अभी हमारा तीसरा अक्षर कौन सा है, ग ग कैसे लिखेंगे। स्टैंडिंग लाइन, लाइन से टच नहीं करना है इसको, फिर सर्कल पर फुल सर्कल बनाना है और उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा बन गया ग ग से गाजर, ग से गमला। ठीक है, अब हमारा चौथा व्यंजन कौन सा था, घ। कैसे लिखेंगे, सी कर्व, यहीं से ज्वाइन करते हो, अगेन सी कर्व, स्टैंडिंग लाइन, लाइन से लाइन को टच करना है, इसको भी टच करना है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, घ घ से घर, घ से घोड़ा, घ से घड़ी। वेरी गुड, अब हमें लिखना है पांचवा व्यंजन कौन सा था हमारा, अंग। कैसे लिखना है, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट हैंड को सी कर, यहीं से ज्वाइन करते हो राइट हैंड को सी कर, उसके बाजू में डॉट और ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा बन गया अंग, अंग से खाली।
फिर देखिए इस लाइन में हमको लिखना है, ठीक है। वर्कशीट में हम ऐसे लाइन दी हुई हैं, इस तरीके से लिखना है। स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट हैंड को सी कर्व ज्वाइंट होना चाहिए लाइन से, ठीक है। राइट हैंड को ज्वाइंट, राइट हैंड को सी कर्व जो ज्वाइंट नहीं होगा, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा बन गया क। अब हम लिखेंगे ख। हाफ कर्व, यहीं से डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, और ये हमारा सी कर्व ज्वाइंट होना चाहिए लाइन से, ऊपर स्लीपिंग लाइन। ख ख से खटमल। स्टैंडिंग लाइन फुल सर्कल, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन। ग ग से गमला, और ग से गाय। सी कर्व, उसके यहीं से ज्वाइन करते हो, अगेन सी कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर लाइन से लाइन नीचे तक टच करना है, बाहर नहीं निकालना है, ऊपर स्लीपिंग लाइन। घ घ से घड़ा, घ से घोड़ा। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट हैंड को सी कर्व, राइट हैंड को सी कर्व, और उसके बाजू में डॉट, ऊपर स्लीपिंग लाइन, हमारा बन गया अंग। अंग से खाली, ठीक है, ऐसे लिखना है बच्चों। अच्छा अच्छा स्टैंडिंग लाइन सी कर्व, लेफ्ट हैंड को सी कर्व लाइन से ज्वाइंट होना चाहिए, और राइट हैंड को कर्व ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, हमारा बन गया क। क से कौन सी पिक्चर्स होती हैं बताइए, कमल, कछुआ, और बताइए, वेरी गुड। क से कमल, क से कलम। हाफ कर्व, डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, सी कर्व ज्वाइंट, और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ख ख से खटमल, ख से खरगोश। स्टैंडिंग लाइन फुल सर्कल, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, जो दूसरी स्टैंडिंग लाइन है वो बड़ी होनी चाहिए, लाइन से लाइन को टच करनी चाहिए, और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ग ग से गाय, ग से गाजर। अब हम घ। सी कर्व, यहीं से ज्वाइन करते हो, अगेन सी कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, हमारा बन गया घ। घ से घर, घ से घड़ा। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट हैंड को सी कर्व, यहीं से ज्वाइन करते हो, राइट हैंड को सी कर्व, उसके बाजू में डॉट, ऊपर स्लीपिंग लाइन। अंग, अंग से खाली। इतना मैंने किया, ये सब आप, ये पूरा पेज आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। अच्छा अच्छा लाइन में लिखना है और लाइन से बाहर नहीं निकालना है। आज का हमारा क्लास वर्क और होमवर्क है, टूडेज क्लास वर्क होमवर्क, सी डब्ल्यू क से अंग तक, क ख ग घ अंग इन नोटबुक। होमवर्क में है पेज नंबर 50 इन वर्कशीट, ठीक है। अच्छा अच्छा करना बच्चों, हैव अ गुड डे, बाय बाय।